आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं डे 0 से डे 25 तक एक सिंगल माइनक्राफ्ट ब्लॉक के ऊपर। इन 25 दिनों की जर्नी में हमारा सिर्फ एक मेन टारगेट होने वाला है, जो कि है अपने बेस को एक खूबसूरत तरीके से एक्सपेंड करना, जिसको पूरा करते हुए मेरे को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कई लकी चीजें भी मेरे साथ होंगी। गाइज, इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। मैं स्पॉन हो चुका हूँ अपने 1 ब्लॉक के ऊपर, तो मेरे को यहाँ से एक डर्ट का टुकड़ा मिलता है तो उसमें यहाँ पे लगा देता हूँ। और कुछ ब्लॉक्स को माइन करने के बाद मेरे को एक चेस्ट भी मिल जाती है, जिसमें से मेरे को सिर्फ फूल और पत्तियाँ मिलती हैं, जो कि हमारे अभी किसी काम की नहीं है। तो कुछ ब्लॉक को और माइन करने के बाद मेरे को कुछ और डर्ट मिल जाती है, जो कि मैं इसके आसपास लगा देता हूँ, जिससे कि हम नीचे ना गिर सके और सेफ रहे। डर्ट ब्लॉक को माइन करने के बाद यहाँ पे वुड आ जाती है, जिससे मैं अपने कुछ औजार बना लेता हूँ लकड़ियों के। फिर मैं एक शवल बना के अपने इन्फिनाइट ब्लॉक के आसपास उसे चला देता हूँ। फिर मैं कुछ और डर्ट लगा के अपने एरिया को एक्सपेंड करता हूँ। एंड अगेन मैं अपने माइनिंग का काम को स्टार्ट कर देता हूँ। लंबे समय तक इसी तरह माइनिंग करते हुए शाम हो चुकी थी और यहाँ पे मेरे को एक चेस्ट मिल चुकी थी, जिससे मुझे 2 ट्री सैपलिंग्स मिली थी और फटाफट से मैं उनको लगा देता हूँ, जिससे कि वो ग्रो हो सके। एंड अगेन मेरे को एक और चेस्ट मिल चुकी थी, जिसमें से 2 और 3 सैपलिंग्स मिल चुकी थी मेरे को। अब मैं माइनिंग कर ही रहा था कि यहाँ पे एक सुपर चेस्ट आ जाती है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें क्या होगा। तो यार, इसमें मेरे को बहुत ओपी सा सामान मिलता है। मेरे को एक डायमंड मिल जाता है, जिसको मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी शुरुआत में। तो मैं फटाफट से यहाँ पे दोनों चेस्ट लगा के अपना कीमती सामान उसमें रख देता हूँ, जिससे कि अगर मैं नीचे गिरूँ भी तो मेरा सामान ना चले जाए मेरे पास से। रात भर माइनिंग करते हुए अब यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और इसी पिक के साथ अब हमारे पास 2 पिक हो चुके थे। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इन जानवरों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए, तो मैं उसका काम यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पहले प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो फटाफट से अब मेरे को इसकी बाउंड्री बना लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। फाइनली अब हमारा एक पहला ट्री ग्रो हो चुका है, तो फटाफट से मैं इसे कट कर लेता हूँ। और यार, मेरा इरादा यहाँ पे इस पिक को नीचे गिराने का नहीं था, यहाँ पे इस ट्री सैपलिंग को लगाने का था। मैं माइनिंग कर ही रहा होता हूँ कि मेरे को यहाँ पे एक और चेस्ट आ जाती है, जिसमें से मेरे को 2 ट्री सैपलिंग और 2 कैरेट मिल जाते हैं, जिससे कि हम खेती कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और ट्री ग्रो हो चुका था, तो मैं फटाफट से उसे भी कट कर लेता हूँ। और इससे भी मेरे को कुछ ट्री सैपलिंग्स मिल जाती है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं एक ट्री फार्म बनाऊंगा, जिसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब हमारा प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे ट्री सैपलिंग्स लगा देता हूँ सभी। मेरे पास कुछ खास करने को था नहीं, तो मैं फिर से माइनिंग करने चले जाता हूँ, जिससे मेरे को कई काम के सामान मिलते हैं। माइनिंग करते हुए मेरे को आगे एक चेस्ट मिलती है, जिसमें मेरे को जो सामान मिला है वो मेरे आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें एक पानी और एक आइस ब्लॉक है, जिससे मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकता हूँ। उस चेस्ट को माइन करते ही हमारा अंडरग्राउंड फेज भी शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ मॉब भी स्पॉन हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने लग जाता हूँ। प्लेटफॉर्म की आउटलाइन ऑलमोस्ट बनी चुकी थी कि मेरे से मिलने के लिए कुछ मॉब आ जाते हैं और क्रीपर तो मेरे इतने पास आके फटता है कि मैं डर ही गया था। जो प्लेटफॉर्म मैंने अपने एनिमल्स के लिए बनाया था, उस पर भी कुछ ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके हैं। नेक्स्ट डे मैं कुछ स्टोन को माइन करके एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ, जिससे कि अपने आयरन को भी माइन कर सकूं। और फटाफट से मेरे यहाँ पे काम भी और तेज हो चुका था अपने स्टोन के औजार की वजह से। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने का काम स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे अंदर दूसरे कलर की वुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक चेस्ट प्लेस करके जितना भी मेरे पास कचरा वगैरह जितना भी आइटम है सब उस चेस्ट में डाल देता हूँ। अब टाइम आ चुका है अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने का, जिसके लिए मैं यहाँ पे डर्ट प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बाल्टी पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं एक आइस क्यूब डालता हूँ और इसको मेरे को फोड़ना है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है हमारा। अब यहाँ पे हमारा एक ट्री ग्रो हो चुका था अपने ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फटाफट से इसे मैं कट कर लेता हूँ और अपने माइनिंग एरिया के आसपास मैं फेंस लगा देता हूँ, जिससे कि हमें मॉब से सुरक्षा मिल सके। लास्ट नाइट की तरह मैं यहाँ पे गलती नहीं करता हूँ और सभी प्लेटफॉर्म पे मैं टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। एंड अगेन मैं माइनिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं फर्नेस बना के अपनी चेस्ट के बगल में उसे प्लेस कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुक करने लग देता हूँ आयरन। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारे कुछ और पेड़ ग्रो हो चुके थे, तो फटाफट से मैं उन्हें कट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अपने बेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारी वुड की जरूरत पड़ेगी। अब मैं फार्मिंग करने के लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का साइज मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ खेती करनी है। सभी डर्ट ब्लॉक को प्लेस करने के बाद मैं इसके बीच में पानी डालने का रास्ता छोड़ देता हूँ और इसके ऊपर हो चलाने लग जाता हूँ, जिससे कि हम इसके बीच में बीज प्लांट कर सके। और मेरे पास जितने भी बीज थे मैं फटाफट से यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। अब मैं लंबे समय तक माइनिंग करने लग जाता हूँ, जिसमें मेरे को कई काम का सामान भी मिलता है, कोल, आयरन और भी कुछ सामान। फिर मेरे को एक चेस्ट मिलती है, जिसमें से मेरे को 2 बोन मिलते हैं और उनको मैं बोन मील में कन्वर्ट कर देता हूँ और एक आयरन की पिकेक्स भी बना लेता हूँ और उस बोन मील से मैं अपने क्रॉप्स को ग्रो कर लेता हूँ। माइनिंग करते हुए रात हो चुकी थी और अब मैं आ चुका था अपने ट्री फार्म के ऊपर और यहाँ पे जितने भी ट्रीज उगे थे मैं उनको कट करने लग जाता हूँ। तभी मैं एक गलती कर देता हूँ, जो कि आप खुद ही देखो आगे। और यहाँ पे मेरे पास जितना भी सामान था वो लेके सारा मैं नीचे गिर जाता हूँ और मेरा सारा सामान वेस्ट हो जाता है।
होपफुली मैंने अपना आधा सामान चेस्ट में बचा के रखा था, तो मैं फटाफट से वहाँ से काम की चीज़ें ले लेता हूँ और कुछ बोन मील बना के यहाँ पे अपनी क्रॉप्स ग्रो करने लग जाता हूँ। और क्रॉप्स के प्लेटफॉर्म के साइड में यहाँ पे मैं और ज़्यादा वुड लगा देता हूँ, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो सके। और आने जाने के रास्ते पे मैं एक और प्लेटफॉर्म बनाने का डिसीजन लेता हूँ, जिसपे मैं एक और ट्री फार्म बनाऊंगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे वुड की ज़रूरत है अपने बेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब मैं माइनिंग कर ही रहा था कि यहाँ पे लगातार दो शीप स्पॉन होती है, तो फटाफट से मैं उनको अपने एनिमल फार्म में जाके रख देता हूँ। अब इनको ब्रीड करवाने के बाद इनके कुछ बच्चे भी हो चुके थे, जो कि हमारे आगे बेड बनाने के काम आएंगे। अब मैं माइनिंग कर ही रहा था कि यहाँ पे केव का फेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें कई सारे मॉब का सामना करना पड़ेगा। फिर मैं अपने सभी टूल्स को आयरन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ और फिर से लग जाता हूँ माइनिंग पे, क्योंकि हमारा केव का फेस स्टार्ट हो चुका था तो हमें गोल्ड और डायमंड भी मिलने वाला था। तो इसी के साथ मेरे को अपना पहला डायमंड भी यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं माइनिंग एरिया के आसपास की डर्ट को स्टोन से रिप्लेस कर देता हूँ, जिससे कि अगर क्रीपर आकर फटे तो यहाँ पे हमें भारी नुकसान ना हो। फिर माइनिंग करते हुए मेरे को जितने भी काम की चीजें मिली थी उनको मैं चेस्ट में ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने ट्री फार्म के ऊपर और यहाँ पे जितने भी पेड़ उगे थे उनको फटाफट से काट लेता हूँ। और अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को अपने ट्री फार्म को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहिए, जिसके लिए मैं इसके आसपास स्टोन लगाने लग जाता हूँ। इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त मैं इसके बीच में कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ। अब इस प्लेटफॉर्म के कम्प्लीट होने के बाद मैं इसके बीच में डर्ट लगा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं ट्री सैपलिंग्स लगा देता हूँ उगने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ अपने एनिमल फार्म पे और अपनी कुछ शीप्स को ब्रीड करवा देता हूँ, जिससे कि आगे जाके मैं इनसे बेड बना सकूँ। ये सब करते हुए रात हो चुकी थी और फिर मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ, जिसमें कई सारे मॉब स्पॉन होते हैं। फिर वहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, तो बिना किसी देरी किए हुए मैं उसे बोट में कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैं बिना किसी देरी किए हुए इसे कवर करने लग जाता हूँ ब्लॉक से, जिससे कि ये सूरज की धूप से मर ना जाए। अब नेक्स्ट डे की शुरुआत होते ही मैं कुछ अपने आयरन के टूल्स और एक रेजर बनाता हूँ, जिससे कि मैं अपने शीप से वूल कलेक्ट कर सकूँ और अपना पहला बेड बना सकूँ। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं अपना बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और अपनी जगह जाके लगा देता हूँ। फिर मैं माइनिंग करने लगता हूँ, जिसमें मेरे को कुछ खास ओर मिलते हैं और फिर उसके बाद एक चेस्ट आती है जिसमें कुछ खास सामान था नहीं, उसमें बोन था, तो उस पर बोन मील बना के मैं अपने ट्री को ग्रो करने चले जाता हूँ ट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर। और फिर उसके बाद ट्री को कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी डर्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे स्टोन लगाने लग जाता हूँ, जो कि दिखने में और ज्यादा अच्छे लगेंगे। और इस डर्ट को यहाँ से रिमूव करते हुए मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं जिस ब्लॉक के ऊपर होता हूँ मैं उसी को माइन कर देता हूँ। तो फटाफट से मैं चेस्ट से कुछ आयरन लेके फिर एक और पिकैक्स बना लेता हूँ और फटाफट से माइनिंग करने लग जाता हूँ, जिससे मेरे सारे रिसोर्सेज वापस मुझे मिल सके। माइनिंग करते हुए यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे और एक जहरीली मकड़ी भी यहाँ पे स्पॉन हुई थी। अब मैं फार्मिंग करने चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी क्रॉप्स ग्रो हो चुकी थी, तो फटाफट से इन्हें काट के मैं यहाँ पे दोबारा से सीड प्लांट कर देता हूँ। अब तक हमारे बहुत सारे पेड़ उग चुके थे, तो मैं फटाफट से इन्हें काटने लग जाता हूँ, जिससे मैं आगे और सारे बिल्ड बना सकूँ। सभी पेड़ों की कटिंग करने के बाद मैं एक और बार आ जाता हूँ माइनिंग करने और यहाँ पे बैरन लैंड वाला फेज शुरू हो जाता है। इस फेज में हमें कई अलग टाइप के ब्लॉक देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें एमरल्ड्स भी देखने को मिलेंगे। फिर माइनिंग करते हुए मेरे को जितना भी सामान मिला था उन्हें मैं अपनी सभी चेस्ट में ऑर्गेनाइज करने लग जाता हूँ। एंड अब रात हो चुकी थी और हमारे पास बेड भी था, तो इस वर्ल्ड में मैं अपनी पहली नींद ले लेता हूँ। एंड दिन की शुरुआत होते ही मैं सभी वुड को प्लैंक्स में बदल लेता हूँ। फिर मैं अपने बेस की चारों तरफ स्टोन ब्लॉक्स लगा के एक बढ़िया सी शेप बना देता हूँ। एंड अब मैं चले जाता हूँ अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म को बनाने के रास्ते को बनाने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पे हम बनाने वाले हैं अभी तक का अपना सबसे बड़ा बिल्ड, जो कि एक वॉच टावर होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म की बाउंड्री बनाने का काम मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ और हमारी बाउंड्री बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो फटाफट से मैं इसके अंदर स्टोन लगाने का काम भी यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर स्टोन लगाते लगाते रात हो चुकी थी और मैं एक गलती कर चुका था, मैं इसके ऊपर टॉर्चेस लगाना भूल गया था, जिससे कि इसके ऊपर दो मॉब स्पॉन हो चुके थे। तो फटाफट से सो के मैं डे कर देता हूँ, जिससे कि मैं इनको जाकर मार सकूँ। तो इनको मारने से पहले मैं एक शील्ड बना लेता हूँ, जिससे कि मैं इनके एरोज से बच सकूँ। तो इनके बॉस को तो मैं धक्का देके वर्ल्ड के नीचे गिरा देता हूँ और दूसरे वाले को मैं 2-3 हिट में मार देता हूँ। अब मेरे बचे हुए प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे मैं कंप्लीट करने लग जाता हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का साइज थोड़ा बड़ा था तो इसे कंप्लीट करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अब इसकी पूरी वॉल्स का काम मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आ जाता हूँ कुछ वुडन प्लैंक्स बनाने के लिए, क्योंकि इसकी बाउंड्री और इसके ऊपर जो हमें टावर बनाना है उसका भी काम अभी रह रहा है। अब बहुत सारे फैंस भी बना लिए थे, जिससे कि हमारे प्लेटफॉर्म का रास्ता भी दिखने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पिछले रात की तरह मैं यहाँ पे गलती नहीं करता हूँ, मैं वहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ। एंड अब आप लुक देख सकते हो कि हमारा प्लेटफॉर्म कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं अपना वॉच टावर बनाने के लिए इसके ऊपर वुड लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड अब आप ऊपर से हमारे वर्ल्ड का लुक देख सकते हो कि ये दिखने में कितना ऑसम लग रहा है। अब मैं अपने वॉच टावर के टॉप के बेस को बनाना शुरू कर देता हूँ, जिसको बनाते हुए यहाँ पे रात हो चुकी थी और इसके पूरे बेस को मैं यहाँ पे फिल करने लग जाता हूँ। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती मैं अपने कुछ अनलिमिटेड वाटर सोर्स से वाटर बकेट लेके अपने बेस के चारों ओर लगाने लग जाता हूँ, जो कि दूर से देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। एंड इसका एक और फायदा है, अगर मैं इसके आसपास गिरता हूँ तो पानी का सहारा लेके मैं वापस
ऊपर आ सकता हूँ। अब मैं कुछ स्टिक्स बनाकर अपने इस प्लेटफॉर्म को भी फैंस से कवर करने के लिए फैंस बना लेता हूँ और फटाफट से इस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ फैंस लगा देता हूँ। अब टाइम आ चुका था अपने वॉच टावर के काम को आगे बढ़ाने का, तो फटाफट से मैं अपने वॉच टावर के ऊपर चले जाता हूँ और इसके चारों ओर के प्लेटफॉर्म को और ज्यादा बढ़ाने का काम स्टार्ट कर चुका हूँ। इस वॉच टावर के ऊपर मैं एक बढ़िया सा हाउस बनाने वाला हूँ, जिससे कि हम यहाँ से अपने पूरे वर्ल्ड को अच्छे से और शांति से बैठ के देख सके। इसको बनाते हुए यहाँ पर रात हो चुकी थी और मैं इसकी छत का काम यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। वॉच टावर की छत कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी वॉल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। रात भर इस वॉच टावर के ऊपर वर्क करते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। अब मैं यहीं पर क्राफ्टिंग टेबल लगा के कुछ विंडो और डोर्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिनको मैं बिना किसी देरी किए हुए फटाफट से अपनी जगह पर लगा देता हूँ। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पर एक सोफा भी होना चाहिए मेरे बैठने के लिए, क्योंकि मैं रात भर वॉच टावर के ऊपर वर्क कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला था कि नीचे कुछ मॉब स्पॉन हो चुके थे। एक क्रीपर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है तो मेरे को रिस्पॉन करना पड़ता है दोबारा से। मैं फटाफट से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ और जितने भी मॉब वहाँ पर बचे थे उनको मार देता हूँ। माइनिंग करते वक्त मेरे को कुछ गोल्ड भी मिले थे तो फटाफट से मैं उनके टूल क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास आयरन बहुत कम बचा था, जिनसे मैं कुछ लकड़ियों को काटने लग जाता हूँ जो कि हमारे आगे काम आएंगे। तो गाइज, आपको ये वॉच टावर देखने में कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। अब मैं बहुत सारे वुडन प्लैंक्स बना के अपने वॉच टावर की सीढ़ियों का काम यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। एंड रात में हमारा वर्ल्ड देखने में कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब ये वॉच टावर भी पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, जो कि दिखने में बहुत औसम लग रहा है। अब मैं अपने वॉच टावर में लगे सोफे पे आ चुका हूँ। अब हम यहाँ से अपने पूरे बेस की रखवाली कर सकते हैं और यहाँ से अपने बेस का नजारा देखने में तो और ज्यादा औसम लग रहा है। अब मैं अपने वॉच टावर के बेस की चारों तरफ वॉल लगाने लग जाता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं फैंस लगा देता हूँ जो कि दिखने में और अच्छी लगेगी। अब आप वॉच टावर का बेस यहाँ से देख सकते हो कि ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो यार, इसी के साथ हमारे 25 डेज कंप्लीट होते हैं माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो में अभी तक रुके हुए हो। एंड गाइज, इस टाइप की वीडियो बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली और ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो यार, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।